हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ITC स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्याकरण स्केल की किस तरह से रचना की जाती है। दोस्तों अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को ऑन कर ले। दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा क्वेश्चन है ऊपर में, एक व्याकरण, ठीक है दोस्तों, एक व्याकरण स्केल की रचना करें जिसके द्वारा मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर सके। ठीक है ना, इसमें क्या बोल रहा है, मीटर मीटर भी मापा जा सकेगा, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर जो माप सकेगा। इसका अधिकतम कितना है दोस्तों, 8, अधिकतम 8 मीटर तक मापी जा सकेगी। ठीक है ना, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर और मीटर को 8 मीटर तक मापी जा सकेगी इसमें बोल रहा है। जबकि 2.00 सेंटीमीटर 1 मीटर प्रदर्शित करे, 2.00 दिया हुआ लेकिन 1 ही मीटर प्रदर्शित कर रहे हैं। स्केल पर दिखाना है हमको 7 मीटर, 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा हुआ, ये जो दिख रहा है ना, KHDMDCM, दोस्तों आपको ये याद कर लेना है। क्या कि देखिए दोस्तों, आपको जब भी पूछेगा, जैसे आपको बोल देगा मीटर, ठीक है, मीटर को हमको मिलीमीटर में चेंज करना है, तो मीटर की जगह पर हमको क्या करना है, 1 लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 0, उसके बाद 0 0 बैठा देना जहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। तो 1 मीटर में कितना, 1000 मिलीमीटर, ठीक है ना, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो दोस्तों हम इधर लिख दिए, देखिए 1 मीटर में कितना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो आपको इससे भी इसी तरह से कर लेना है। दोस्तों इसका फार्मूला देख लीजिए, ये भी इसका फार्मूला निकल लें, निरूपित भिन्न को हम लिखते हैं RF, ठीक है ना, बराबर क्या होता है दोस्तों, ड्राइंग पर दूरी, ठीक है ना, ड्राइंग पर दूरी बट्टे वस्तु की दूरी, और स्केल पर, और दूसरा फार्मूला है दोस्तों लेंथ, लेंथ निकालने के लिए, जिससे अधिकतम दूरी निकालने के फार्मूला है। तो स्केल स्केल पर ड्राइंग पर दूरी निरूपित भिन्न गुने अधिकतम मापे जाने वाली लंबाई। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या निकालेंगे हम इसका, RF, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, 8 मीटर मापी जा सके, ठीक है ना, ये 8 है, ये 8 है, जबकि 2.0 सेंटीमीटर दिखा रहा है। दोस्तों हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको RF निकालना होगा, ठीक है ना। तो RF का फॉर्मूला तो आपको दिख ही रहा है ऊपर में, तो दिया हुआ कितना दोस्तों, ये 8 दिया हुआ ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, RF अलाउड, ठीक है ना, 2.00, लेकिन प्रदर्शित कितना कर रहा है दोस्तों, एक तो यही होगा दोस्तों, 2.0 है ना दोस्तों, ये क्या होगा, ड्राइंग पर दूरी, तो ड्राइंग पर दूरी कितना है दोस्तों, 2.00 सेंटीमीटर, ठीक है ना, लीजिए 1 मीटर। तो मीटर को दोस्तों हम क्या करना है, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कितना से गुना करेंगे दोस्तों, 100 से। तो 1 मीटर, ठीक है ना, 1 मीटर को हम गुना करेंगे 100 से, तो सेंटीमीटर में चेंज हो गया दोस्तों। इसका पॉइंट उड़ाएंगे, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो लीजिए में कितना आएगा दोस्तों, फिर 100 आएगा, क्या कि 00 है ना दोस्तों, तो 1 2, तो 1, तो ये आएगा 00। देखिए 0 से ये 0, ऊपर 200 हो गया, तो ये 0 ये कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो कितना बराबर कट जाएगा, 50, ठीक है ना। तो RF बराबर दोस्तों कितना आ गया, RF बराबर मेरा आ गया 1/50, ठीक है, ये आ गया मेरा सेंटीमीटर में, तो ये मेरा RF निकल है दोस्तों। अब फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, अधिकतम मापी जाने वाली, तो देखिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं दोस्तों, LOS, लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है। तो इसको निकालना हुआ था कितना, 8 दिया, 8 मीटर, तो 8 मीटर को चेंज करेंगे किस में से, पहले तो करेंगे 100 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, सेंटीमीटर में चेंज हो गया दोस्तों, ये मेरा सेंटीमीटर में चेंज हो गया। उसके बाद क्या बोला है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे RF ने लिखा है, तो लिख देते हैं RF कितना दिया हुआ, 1/50 गुना इस तरह से ना है। तो उसके बाद कितना, 50 से काटेंगे कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा, तो लेंथ ये कितना, लेंथ ऑफ स्केल कितना हो गया दोस्तों मेरा, 16, तो 16 हो गया ना अधिकतम 16, तो हमको किस इस तरह से कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरह से सिटी स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना, सिटी स्क्वायर निकाल के उसके बाद 16 ले लेंगे हम, मापेंगे 16। तो आपको देखिए देख रहे हैं ना, 16 किस तरह से लेंगे हम, तो चलिए हम 16 ले लेते हैं यहाँ से, देखिए 16 मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से खींच लेना है, उसके बाद एक लाइन खींचना है, जो दोस्तों ये 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से नहीं खींचना है, 90 से का न्यून कोण खींचना है, तो न्यून कोण हम खींच लेते हैं, देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से आपको ये दोस्तों फिक्स नहीं कि आप इतना मन, जितना आपको मन हो उतना पर ले सकते हैं, तो चलिए मेरा मन इतना ले लेते हैं, ठीक है इस तरह से। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, डिवाइडर लेके और ये लाइन को कितना बार में काटना है दोस्तों, ये तो मेरा 16 हो गया ना, तो इसको हम काटेंगे कितना बार में दोस्तों,
तो दोस्तों इस डिवाइडर में अपना कोई चाप लेके भर लेना है, ठीक है ना। चाप लेके अपना लेके इस तरह से जितना मन आपको उतना ले लेना है, ठीक है ना। चलिए, और इसको कितना 8 बार में डिवाइड करना है। 8 अधिकतम 8 था ना, हम अपने जाने अधिकतम। तो चलिए 8, 1, 2। तो दोस्तों आपको इस तरह से काट लेना है 8 भाग में, ठीक है। और इस देखिए, और ये जो लास्ट वाला कटा दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से मिला देना है। जो लास्ट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को कितना से मिला देना है, कटिंग बोलने पर देखिए आपको इस तरह से मिला देना है, ठीक है। इस तरह से आपको मिला देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर एक लेना है, ठीक है ना। ये 90 नहीं होना चाहिए, 99 होना चाहिए। तो चलिए हम ले लेते हैं इस तरह। चलिए, और फिर इसमें भी एक चाप भर लेना है अपना मन से, और इसको 10 भाग में काट देना है। इसको 10 भाग में डिवाइड करना है, क्या कि देखिए दोस्तों इसको 10 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। एक, और यहाँ से 10 भाग में इस तरह से काट लेना दोस्तों। इस तरह से हम 10 भाग में इसको डिवाइड कर ले। उसके बाद क्या करना है, एक ब्लॉक बनाना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ब्लॉक बनाने के लिए दोस्तों कितना लेते हैं, इसमें जितना मन उतना ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ये नहीं है, तो चलिए हम उसके बाद क्या करना है, एक स्टैंडर्ड लेट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम चलिए 15 लेते हैं। चलिए यहाँ से हम 15 ले लिए इधर, और फिर 15 इधर ले लेंगे। ये स्टैंडर्ड ब्लॉक बनाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 15 इधर ले लिए, इस तरह से लेके, और इस दोनों को क्या करना है, मिला देना है यहाँ से। इस तरह से हमने मिला दिया। तो उसके बाद क्या करना है, फिर एक इस तरह से फिर चाप को लेना है। उसके बाद देखिए इसको किस तरह से सेट करें, इस तरह से सेट करना, देखिए इस तरह से इसको हम सेट करें, सेट करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको सेट कर लेना है, देखिए इस तरह से हमको सेट करना है। आप दिख रहे हैं, इस तरह से आपको सेट कर लेना है इसमें। और एक नीचे में सपोर्टिंग के लिए एक सेट स्क्वायर को देंगे, देखिए इस तरह से लेके, और इसको भी लीजिए इस तरह से लेके, और इस तरह से देखिए ऐसे आ रहा है ना, ये स्लाइड हो रहा है। इस तरह से आपको इस तरह से लेके और खींच देना, देखिए यहाँ पर मिला है मेरा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे खींच देना है। तो इस तरह सब में खींच देना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको देखिए स्लाइड किए ना, इस तरह से हमको काट लिए। इस तरह से देखिए हो रहा है ना, कट रहा है। उसके बाद क्या करना है, एक इसको भी काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से सेट स्क्वायर को लाएंगे, और एक सीधा बनाएंगे ब्लॉक। तो देखिए इस तरह से हमने देखिए यहाँ पे सेट कर दिए, और देख दोस्तों बेस लाइन एकदम टाइट पकड़ना है, ताकि मेरा जो बन रहा है ड्रॉइंग गलत ना। देखिए इस तरह से उसको सपोर्ट करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको सपोर्ट करके इसको टाइट पकड़ना है नीचे वाले को, और इस तरह से रख के स्लाइड करके, और इस तरह से काट देना है जिस तरह से इसमें किए थे, ठीक है। इस तरह से आपको काट, तो दोस्तों इस तरह से हमने काट लिया, ठीक है ना। इस तरह से सेट उसका लेके काट लेना आपको। उसके बाद क्या करना है, ये जो हम खींचे हैं नीचे में 10 10 को क्या करना है, यहाँ से इसको मिला देना है इसमें। देखिए यहाँ से लेके, और इस तरह से तरह से मिला दी, ठीक है। तो सेम इसी तरह से फिर इसको भी मिलाना पड़ेगा, जितना हम जो काटे हैं ये सबको भी मिलाना पड़ेगा ना। तो इस तरह से देखिए सेट स्क्वायर किस तरह से लगाना, इस तरह से सेट स्क्वायर सेट करना, देखिए इस तरह से दिख रहा है ना आपको सेट स्क्वायर। इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें लगाना है, और जहाँ जहाँ पे ये कटा था उसके सामने में एक, देखिए यहाँ पे मेरा कट रहा है, फिर इस तरह से आपको इसमें मिला देना, इस तरह से कर लेना। तो दोस्तों आपको इस तरह से बना लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए इस तरह से बनाए थे ना, जिस तरह से सेट स्क्वायर लगा के, तो आप नीचे में इस तरह से लगाना है। इस तरह से देखिए सेट किए थे इस तरह से, और इस तरह से हम पूरे डिवाइड कर दिए, ठीक है। इस तरह से हम डिवाइड किए हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, फिर इसके बाद यहाँ पर से खींचना है, ठीक है ना। ये 90 नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम इस तरह से हमने फिर इस तरह से हम कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें भी हम कितना बार में करेंगे दोस्तों, इसको भी हम 10 बार में 10 भाग में डिवाइड कर देंगे। अपने डिवाइडर को लेना है, और कुछ अपना मन से मान लेना है, इसमें फिक्स करना है। और उसके बाद इसको भी 10 भाग में डिवाइड कर देना है, यहाँ से लेके और 10 भाग में डिवाइड कर देना है। तो हम कर दे रहे हैं, अभी कर दीजिए दोस्तों। आपको डिवाइडर से इस तरह से डिवाइड कर लेना है। उसके बाद देखिए 10 कर दिया ना, देखिए 1 2 3 इस 10 करके, उसके बाद क्या करना है, इस बिंदु से इस बिंदु को फिर मिला देना, ठीक है ना। ये पॉइंट को इस पॉइंट से, देखिए इस तरह से हमको क्या करना है, इस तरह से मिला देना है,
इस तरह से मिला देना है, और जिस तरह से इसमें किए थे उस तरह से देखिए इसको भी सेट स्क्वायर को इस तरह से रखना है कि एक कट जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको रख लेना है और लीची वाला को इस तरह से देखिए चाप के लगाना है, देखिए इस तरह से सेट स्क्वायर लगाना है, ठीक है ना, इस तरह से चाप के। उसके बाद क्या करना है देखिए, इस तरह से हम लगा दिए, देखिए मेरा यहाँ पे कट रहा है और पहले मिला लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से मैच कर लेंगे इसको। चलिए हमको मैच हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, सेम इसको भी इस तरह उसी तरह से डिवाइड करना है जिस तरह से पहले वाले में किए थे। तो चलिए हम इस तरह से यहाँ पे आ रहा है मेरा, क्या करना है इसको आराम से हल्के खींच देना इस तरह से। तो इस तरह से देखिए खींचा गया, इसी तरह से आपको भी कर लेना है। तो चलिए दोस्तों इस तरह से देखिए हम इस तरह से डिवाइड कर लिए, कर दिया ना इस तरह से, तो आपको भी इस तरह से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से खींचना है स्पेस लाइन। तो इसको क्या करेंगे हम इस तरह से सेट स्क्वायर के नीचे में इस तरह से हम लगाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। और जिस तरह से इसमें किए थे देखिए कटान बिंदु इसको कट गया था ना इस पर इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, इसके सामने सामने खींचना है, ठीक है, इस तरह से आपको खींच लेना है ड्रॉ कर, देखिए इस तरह से, इस तरह से लाइन खींच लेना है, ठीक है ना, इस तरह से, इस तरह से आपको लाइन खींच लेना है। दोस्तों अगर मेरा और वीडियो इस तरह का देखना है दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि सिंपल इसके लिए भी इस तरह से ड्रॉ किया है, तो इस तरह से आपको खींच लेना है। तो इस तरह से हम खींच लिए, उसके बाद क्या करना है फिर एक इस तरह से लेना है, ठीक है ना, लाइन। तो इस तरह से सेट स्क्वायर हमको क्या करना है, लगाना है इस तरह से, जैसे इस तरह से सेट स्क्वायर को लगाएंगे देखिए इस तरह से, जैसे इस तरह से काटना है हमको, इस तरह से एक एक करके काट लेना है, ठीक है। इस तरह से हमको लगाना है सेट स्क्वायर, तक किस तरह से कटेगा तो चलिए हम बता रहे हैं सेट स्क्वायर लगा के। तो आपको सेट स्क्वायर को किस तरह से नीचे में रखना है इस तरह से, देखिए इस तरह से सेट स्क्वायर को क्या करना है, इस तरह से इसमें एकदम अच्छे से सीधे मिला देना है, देखिए इस तरह से, इस तरह से मिला दिया। और बेस वाला को टाइट पकड़ना है, ठीक है ना, इस तरह से करना, देखिए लगा किया और एक लाइन पे आ गया मेरा। तो फिर यहाँ से सॉरी ये पूरा में नहीं होगा, ये फर्स्ट डिब्बा में होगा, ठीक है ना, इस तरह से, इस तरह से ये यहाँ तक होगा, ठीक है, यहाँ तक इस तरह से आपको कर देना है, इस तरह से सेम करना। सॉरी दोस्तों ये ऊपर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना, इस तरह से बिकन ना बनाना है। तो सिंपल स्केल वाला दोस्तों आ गया था या तो इसलिए सॉरी इसके लिए दोस्तों, ये हिस्से में होगा, ठीक है। इस तरह से पॉइंट करना है, जितना जितना ऊपर नीचे में इस तरह से पॉइंट है उस तरह से ऊपर भी दिखाना है, ठीक है ना, ऊपर कर लेना है, बिंदु लगा लेना है, देखिए। और इस वाले को इस वाला से मिला देना है, तो चलिए हम इस वाले को इस वाला से मिलाएंगे किस तरह से। तो चलिए फर्स्ट ये यहाँ से लेंगे और इसको इधर से मिलाएंगे, ठीक है ना, बिकर्न होगा ना इसके लिए, सॉरी दोस्तों इसके लिए। चलिए हम यहाँ से इस तरह से मैच कराना है, ठीक है ना, इस तरह से आपको इस तरह से मिला देना है, देखिए इस तरह से आपको इस तरह से हमको मिलाना था, तो उस तरह से दोस्तों मिल गया इसके लिए सॉरी। चलिए इस तरह से हमको मिलाना है, विकर्ण बना रहे थे दोस्तों, विकर्ण की टाइप दिखेगा ना तिरछा, इसी की वजह से दोस्तों जब खींच रहे इसी की वजह से इसको विकर्ण मापी बोलते हैं, ठीक है ना, विकर्ण मापी इस तरह से। चलिए हम इस तरह से मिला दिए, उसके बाद इसको यहाँ से मिला देना है, देखिए इस तरह से मेरा बन गया ना दोस्तों, इस तरह से देखिए दिख रहा है ना विकर्ण टेढ़ा टेढ़ा, देखिए इस तरह से इधर इसको सीधा नहीं था, सिंपल स्केल जब बनाएंगे दोस्तों तो इसमें सीधा हम स्ट्रेट लाइन जो खींच दिए थे दोस्तों, इस तरह से इसको खींचना नहीं, ठीक है ना, इस तरह से खींच लेना है। तो उसके बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़ को, ठीक है ना, यहाँ से जीरो, इसको जीरो मानेंगे, एक दो इस तरह से आपको कर लेना है। और ये वाला बीच में जो खींचा गया दोस्तों, इस ये जो मिस्टेक से खींचा गया है इस तरह से दोस्तों कर दिया। उसके बाद कितना बोला था इधर देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना, इस तरह से जिस तरह से बनाया है इसमें इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या बोला था दोस्तों, देखिए यहाँ पे 7 मीटर, ठीक है ना, 7 मीटर 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 मीटर, तो मीटर इस तरह से आपको लिख लेना है, मीटर इस तरह से होता है मीटर, और ये वाला जो है ना दोस्तों ये सीधा सीधा इसको क्या कहते हैं सेंटीमीटर, और नीचे जो टेढ़ा करके बनाया दोस्तों उसको कहते हैं डेसीमीटर। तो डेसीमीटर 10 भाग होता है, तो इसको क्या करना है 7 सेंटीमीटर पर एक स्केल लेके खींच लेना, ठीक है, इस तरह से आपको खींच लेना। उसके बाद क्या बोल रहा है 5 डेसीमीटर, ठीक है ना, तो 5 डेसीमीटर, चलिए 5 डेसीमीटर देखिए ले लेते हैं इधर से, 5 डेसीमीटर, 7 सेंटीमीटर सॉरी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मेरा यहाँ पे आ रहा है,
तो इसको हम थोड़ा इस तरह से कर लेना, ठीक है ना। सात पे आया मेरा, तो इस तरह से क्या करना है इसको, इस तरह से आपको करके और एक सीधा लाइन खींच लेना है। तो चलिए इस तरह से लेके हमको क्या करना है, इस तरह से खींच लेना है, ठीक है ना। इस तरह से हमको खींच लेना है, उसके बाद क्या करना है, एक इस तरह से हमको खींच के और उसके बाद इस तरह से ले सकते हैं। इस तरह से हम खींच लिए दोस्तों, इस तरह से हम ले लिए उसको। इसको आप छोड़ भी सकते हैं बीच में और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कर ले, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा ना। तो इस तरह से हम करके उसके बाद एक इस तरह से इधर और एक इधर, इस तरह से ले लेना है। तो दोस्तों इस तरह से ले लेना है, ठीक है ना। उसके बाद बीच में लिखना है, इस यहाँ पर लिखना है सबसे पहले आर एफ, ठीक है ना। आर एफ देखिए, आर एफ मेरा कितना आया था, है ना। यहाँ ये आर एफ है तो 1/50, 1/50। उसके बाद क्या करना है, बोल रहा है इसे 7 मीटर, तो यहाँ पे हमको लिख देना है 7 मीटर, 5 डेसीमीटर, 5 लिख के डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको बना लेना है सेम इस तरह से। देखिए इस तरह से मेरा बन गया। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मेरा वीडियो नहीं देखे दोस्तों, इसे जो पहले भी बना चुका हूँ, आइसोमेट्रिक भी हो तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के। आप समझ गए दोस्तों इस तरह से कि किस तरह से आरएफ निकालना है। और एक बात ये, और इस तरह से जो ये फार्मूला लिखे थे, ये डेसीमीटर को मीटर में निकालना है। जैसे आपको कुछ बोल देगा, ठीक है ना, मीटर को बोलेगा आपको कि सेंटीमीटर चेंज करना था, मीटर के सामने में एक लिख के उसका जहाँ तक बोलेगा वहाँ तक 0 बैठा देना, ठीक है। तो इस तरह देखिए 1000, तो बोलेगा 1 मीटर बराबर कितना होगा दोस्तों, 100, ठीक है ना। ये 1000 नहीं होगा, सॉरी, ये 100 होगा। फिर दोस्तों अगर बोलेगा कि आपको नहीं, ये किलोमीटर को मीटर में बदलिए, तो किलोमीटर के जगह पर क्या करना है, देखिए किलोमीटर के जगह पर 1 डाल देना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1 किलोमीटर बराबर क्या, अगर 1 किलोमीटर बराबर तो 1000, ठीक है ना। इस तरह से आपको कर लेना है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।